मियां शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वजीर आजम मुंतखब। 336 के ऐवान में शहबाज शरीफ को 201 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब ने 92 वोट हासिल किए। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार थे। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और BAP ने शहबाज शरीफ के हक में वोट दिया। JUI और BNP ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। नौ मुंतखब वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि हमें डीप सर्जरी करनी है, निजाम में तब्दीलियां लानी है। शहबाज शरीफ की तकरीर को एक लफ्ज में समेटूं तो ये डेड ऑन अराइवल है। इनके चेहरे ऐसे हैं जैसे किसी जनाजे में आए हों। इन्हें मालूम है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनके चेहरों से खौफ छलकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब का ऐवान में इजहार ख्याल कहते हैं, ये हुकूमत फॉर्म 47 की मरहूने मिन्नत है। फॉर्म 45 के तहत नतायज आते तो यहाँ हमारे 180 अरकान होते। एक मुल्क और दो दस्तूर नहीं चल सकते। और मौजूदा पार्लियामान अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमारा ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई। 2024 में उस धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मौलाना फजल रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं जो 2018 में थी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है और पार्लियामेंट वकार खो रही है। इन हालात को तस्लीम नहीं करते, इस पर अवाम का रद्दमल आएगा। सिंध और बलोचिस्तान असम्बलियाँ खरीदी गई। पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का लाहे अमल बनाएंगे। एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकज़ई को वोट दूं, मगर मेरी जमात फैसला कर चुकी है कि किसी को वोट नहीं देना।